नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम मिशन वर्ल्ड कप में आपका स्वागत है। वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है और जिस मुकाबले का इंतजार किया जा रहा है वो मुकाबला 14 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के सबसे बड़े मुकाबले यानी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले को लेकर। दोनों ही टीमें इस समय जीत के रथ पर सवार है। भारत ने जहां ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को बड़े अंतर से हराते हुए ये बता दिया है कि 12 साल बाद भारत फिर से इतिहास दोहराने के लिए तैयार खड़ा है, तो वहीं पाकिस्तान भी लगातार जीत के रथ पर सवार है और श्रीलंका और नीदरलैंड के खिलाफ बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की। 14 अक्टूबर को एक बड़ा मुकाबला होगा। इस बड़े मुकाबले पर बड़ी चर्चा करेंगे मेरे सहयोगी आदित्य आत्रे के साथ। आदित्य, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला एक बार फिर से द ग्रेटेस्ट राइवलरी का जो ये मैच है वो कल खेला जाने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए एशिया कप में भले ही दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी लेकिन एक में ड्रॉ हो रहा था, एक में भारत को जीत मिली थी। लेकिन भारत में एक लंबे समय के बाद, शायद आखिरी मुकाबला भी 2011 के वर्ल्ड कप में ही दोनों टीमों के बीच भारत में खेला गया था। उसके बाद एक दूसरा मुकाबला भारत के अंदर, भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। दोनों ही संतुलित टीमें हैं, दोनों ही टीमों की शानदार शुरुआत इस वर्ल्ड कप के अंदर हुई है। देखिए, भारत की टीम की अगर मैं पहले बात करूं, टॉप ऑर्डर फॉर्म में है। आप चाहे रोहित शर्मा की बात कर लीजिए, ईशान किशन जरूर थोड़ा सा खेलने में थोड़ा झिझक रहे हैं शुरू। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखा कि वो जल्दी आउट हो गए, एक शॉट मारा उन्होंने स्लिप में आउट हुए। कुछ ऐसा ही अफगानिस्तान के खिलाफ भी, अफगानिस्तान के खिलाफ कुछ रन बनाए लेकिन जल्दी आउट हो गए। हालांकि देखिए, शुभमन गिल अभी फिट है या नहीं ये कहना मुश्किल है। उनकी जगह शायद हो सकता है कि कल फिर से ईशान किशन ही ओपनिंग करे, लेकिन इसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल अच्छी फॉर्म में। बिल्कुल आदित्य, भारतीय बल्लेबाजी की सबसे पहले बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका बल्ला थोड़ा खामोश रहा था, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने, इसके साथ ही एक दिवसीय में सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले भी। वहीं विराट कोहली, अफगानिस्तान के खिलाफ आप सेंचुरी मारी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक समय जहां भारत पूरी तरीके से लड़खड़ा चुका था 3 विकेट गंवाकर, वहां केएल राहुल और विराट कोहली की पार्टनरशिप ने भारत को जीत दिलाई। नीचे की अगर बात करें तो यहां पर केएल राहुल, सुरेश अय्यर अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या हैं वो अभी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में 5 प्योर बल्लेबाज और 1 ऑलराउंडर, इसके साथ रविंद्र जडेजा, भारत की जो बल्लेबाजी है काफ़ी संतुलित नजर आ रही है। बिल्कुल, ऑलराउंडर की जिस तरह से आपने बात की, 2 ऑलराउंडर इस समय टीम में है, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से एशिया कप में प्रदर्शन किया था, उसके बाद नो डाउट कि युवराज सिंह की वो भूमिका इस बार यहाँ पर निभा सकते हैं। 2011 का इतिहास, युवराज का इतिहास हार्दिक दोहरा रहे हैं। बिल्कुल, और दूसरी चीज़ ये कि अभी तक उनका बैटिंग में नंबर नहीं आया है क्योंकि केएल राहुल, श्रेयस अय्यर तक ही बल्लेबाजी सीमित रही है। लेकिन देखिए, विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में इस समय चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी अच्छी पारी खेली और अफगानिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 150 रन की अच्छी पारी खेली थी। केएल राहुल टीम के साथ जुड़े हैं, उनकी फॉर्म वापस आ गई है, तो ऐसे में बल्लेबाजी को लेकर मैं सोचता हूं कि ज़्यादा भारतीय टीम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर शुभमन गिल वापसी करते हैं तो फिर एक बहुत मजबूत पक्ष भारतीय टीम का हो जाएगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ईशान किशन के लिए जगह मिलना मुश्किल है। बिल्कुल, हालांकि शुभमन गिल की अनुपस्थिति में भी 2 मैच अच्छे मार्जिन से जीते हैं। हाँ, शुभमन गिल इस समय अपने ड्रीम फॉर्म में चल रहे हैं और भारत के सबसे स्टार बल्लेबाज। गेंदबाजी की अगर बात की जाए, देखिए पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने अश्विन को मौका दिया था, अफगानिस्तान में हालांकि ड्रॉप किया था। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, क्या पाकिस्तान के खिलाफ शार्दुल ठाकुर जगह बना पाएंगे या अश्विन को मौका? देखिए, बड़ा मुकाबला है और जिस तरह से कुछ पहला मुकाबला इस मैदान पर खेला गया था, जिस तरह से न्यूजीलैंड और
इंग्लैंड के खिलाफ जो मुकाबला था, तो अच्छी स्पिन, रचिन रविंद्र ने भी अच्छी बॉल डाली थी, सेंटनर ने भी अच्छी बॉल डाली थी, जैम्पा थे उन्होंने भी अच्छी बॉल वहाँ पर डाली थी, तो निश्चित तौर पर एक ये जो अहमदाबाद का पीछा है ये स्पिनर्स के लिए मददगार है, तो अश्विन दिख सकता है यहाँ? बिल्कुल, अश्विन यहाँ पे जरूर दिखेंगे, क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या एक पेसर के रूप में मौजूद है। अगर आप बुमराह सिराज के साथ भी जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि जो हार्दिक पांड्या है वहाँ पेस से बॉल डाल सकते हैं। दूसरा, तीन स्पिनर्स भी आपके पास हो जाएंगे, दो प्रोफेशनल्स कुलदीप और अश्विन, और जरूरत पड़ने पर रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, तो टीम एकदम संतुलित है गेंदबाजी के अंदर भी। और अगर देखिए कहीं ना कहीं किस पिच पर ये मुकाबला होता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अलग अलग पिच वहाँ तैयार होंगे, कौन सा स्पिन ट्रैक है, कौन सा पेसर्स को मदद करेगा, ये अंतिम समय पे ये चयन किया जाएगा उसका। बिल्कुल, देखिए भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी की हमने बात की, भारत में ये वर्ल्ड कप हो रहा है, काफ़ी संतुलित टीम नज़र आ रही है, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो या ऑलराउंडर हो। पाकिस्तान की बल्लेबाजी कहीं ना कहीं रिजवान और बाबर आजम के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आ रही है। पिछला मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेला गया, एक बड़े स्कोर का मुकाबला, रिजवान एक बड़ा खिलाड़ी क्रैम्प से लगातार जूझ रहा था और आखिरकार टीम को जीत दिलाकर ही वो डगआउट में गया। जी देखिए, टीम के पास बाबर आजम, रिजवान और उल हक जैसे बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, हालांकि इमाम उल हक का बल्ला यहाँ पर चल नहीं रहा है। दोनों बार हमने देखा कि शॉर्ट पिच बॉल पे वो आउट हुए यहाँ पर, तो शॉर्ट पिच उनकी कमजोरी कहीं ना कहीं निकल कर यहाँ सामने आ रही है। दूसरा, सौ शकील की मैं बात करूँ, लेकिन जिस तरह से 350 रन जब चेस करने थे श्रीलंका के खिलाफ, तो उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, एक सिरे पर टिके रहे, दूसरे सिरे पर रिजवान थे, वो लगातार हिटिंग करते रहे, तो इस तरह से उन्होंने 345-46 रन का जो मुकाबला था वो 48 ओवर में ख़त्म किया। लेकिन बाबर आजम दोनों ही मुकाबले में खेल रहे हैं। बाबर आजम की बात करेंगे, क्योंकि बाबर आजम एक बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, नंबर वन वो बल्लेबाज हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उनका बल्ला अभी तक खामोश है। पहले मुकाबले में भी अगर बात की जाए नीदरलैंड के खिलाफ, एक कमज़ोर टीम के खिलाफ भी वो संघर्ष करते हुए नजर आए, तो वहीं श्रीलंका के खिलाफ भी महज 10 रन बनाकर आउट। देखिए उनकी फॉर्म एशिया कप से ही खराब चल रही है, भले ही नेपाल के खिलाफ उन्होंने बड़ी पारी खेली हो, लेकिन नेपाल के पास इतना अनुभव नहीं था। उसके बाद जब भारत के खिलाफ मुकाबला था तो जिस तरह से मुझे याद है एक इनस्विंग आई हार्दिक पांड्या की और वो बोल्ड हो गई। श्रीलंका के खिलाफ भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे उस मुकाबले के अंदर, लेकिन बड़ा नाम है, बड़ा खिलाड़ी है, अभी भी कमबैक कर सकता है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वर्ल्ड कप की शुरुआती मुकाबले में काफ़ी अच्छा खेलेंगे, लेकिन अभी तक उस तरह की फॉर्म जो है दिखाई नहीं दी है बाबर आजम की, ये चिंता का विषय है। और मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो मिडिल ऑर्डर में भरोसेमंद बल्लेबाज अभी भी पाकिस्तान के पास नहीं है। बिल्कुल, गेंदबाजी आक्रमण, देखिए पाकिस्तान का जो गेंदबाजी आक्रमण है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। शाहीन शाह अफरीदी हैं, हसन अली, रऊफ हैं, नवाज है, इफ्तियार भी स्पिन से अपनी टीम के लिए एक उपयोगी भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही जो शादाब खान है, शादाब खान भी स्पिन से अच्छी जो गेंदबाजी है वह कर रहे हैं। पाकिस्तान की गेंदबाजी को आप किस रूप में देखिए? नो डाउट, अगर इस वर्ल्ड कप में अगर गेंदबाजी देखी जाए तो पाकिस्तान से बेहतर पेसर अभी तक किसी भी टीम के पास यहाँ पर नहीं है। लेकिन देखिए पिछले दो मुकाबलों के अंदर नीदरलैंड की अगर हम छोड़ दें तो श्रीलंका के खिलाफ काफ़ी मार के प्रमुख गेंदबाजों को पड़ी। शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, चाहे हैरिस राउफ की बात करें, बहुत ज़्यादा रन उन्होंने लुटा दिए यहाँ पर, और विकेट भी अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं, जूझ रहे हैं विकेट पर। आप गेंदबाजी भले ही कर रहे हो लेकिन विकेट नहीं मिल पा रहे हो। बड़ा नाम है पाकिस्तान के पास इन सभी खिलाड़ियों को लेकर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शादाब जो है अच्छे स्पिनर हैं, इफ्तिकार भी एक अच्छे स्पिनर वहां पर रोल निभा सकते हैं, क्योंकि भारतीय पिचों पर अमूमन तीन स्पिनर और तीन फास्ट बॉलर, देखिए कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का ऐसा है, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और रऊफ, तेज गेंदबाजी इख्तियार खान और नवाज, ये स्पिन में क्या भारतीय बल्लेबाज पर जो इस समय वो अपनी गोल्डन फॉर्म में चल रहे हैं, चाहे रोहित है, विराट है, KL राहुल ने तो जब से इंजरी से कमबैक किया, IPL में जो इंजरी हुई थी उसके बाद कमबैक में तो उनका बल्ला बोल नहीं रहा है, आग उगल रहा है,
क्या इन पर लगाम लगा पाएंगे? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से बल्लेबाजी भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज फॉर्म में है, फिर वो ऐसे बल्लेबाज हैं कि फिर किसी से डरते नहीं हैं। हमने स्टार्क के खिलाफ भी देखा, हेजलवुड के खिलाफ भी देखा, पैट कमिंस के खिलाफ भी देखा, डरे नहीं। हालांकि शुरुआत में विकेट निकले थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से केएल राहुल और विराट कोहली ने बल्लेबाजी की थी, और पिछले मैच में जो रोहित शर्मा ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, तो भारतीय बल्लेबाजी के सामने तो अभी तक तो मैं नहीं मानता कि ये बॉलिंग अटैक नहीं था। बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, हाई वोल्टेज ड्रामा मुकाबला, अगर बात की जाए अहमदाबाद में इस समय ना तो रुकने के लिए कहीं होटल मिल रही है और ना एयरपोर्ट पर पार्किंग मिल रही है, तो ऐसे में इस हाई वोल्टेज मुकाबले में कौन सी टीम भारी पड़ सकती है? भारत जहां अपने घरेलू मैदान पर एक बार फिर से वर्ल्ड कप उठाने का सपना देख रही है, क्योंकि 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने संयुक्त रूप से मेजबानी करते हुए वर्ल्ड कप पर जीत हासिल की थी, तो वहीं इस बार पूरी तरीके से भारत में हो रही इस वर्ल्ड कप में उम्मीद ये की जा रही है कि भारत ये ट्रॉफी उठाएगा। तो वहीं पाकिस्तान जो अपने दोनों मुकाबले, शुरुआती दोनों मुकाबले जीत के रथ पर सवार है, तो वह भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो मुकाबला है ये काफी दिलचस्प होगा, और दोनों की ही जो राइवलरी है वर्ल्ड कप की वो एक बार फिर से दर्शकों को रोमांचित करती हुई नजर आएगी।